Prejudice, Discrimination and Inequality. Explanation Part 6. Provisions for diversity and equality of people. The Constitution clearly says that the citizens will be given equality of status and opportunity. Provisions means hota hai pravadhan. The Constitution clearly, हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से कहा है that the citizens will be given equality of status and opportunity. Citizen means होता है नागरिक, कि हमारे जो नागरिक हैं that the citizen will be given equality, कि उन्हें समानता दी जाएगी, अवसर की समानता, अवसर इन्हें जो है जो उनके नागरिक हैं मतलब भारतीय जितने भारतीय नागरिक जो हैं इन्हें अवसर की समानता दी जाएगी मतलब किसी भी चीज़ के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी आधार पर इनके साथ में भेदभाव नहीं होगा. दस ऑल पीपल आर गिवन इक्वल राइट्स, और इस प्रकार जो है सारे लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन सर्टन फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लाइटेशन. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के सारे लोग जो हैं सारे या फिर कह सकते हैं सारे भारतीय, हैव बीन गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, इन्हें एक निश्चित जो है फंडामेंटल कह सकते हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत मौलिक अधिकार दिए गए हैं. टू प्रोटेक्ट देयर डाइवर्सिटी, उनके जो डाइवर्सिटी है उसे उनकी जो विविधता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए. एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लाइटेशन, और अपने आप को मतलब अपनी विविधता, अपनी एकता या फिर कह सकते अपनी संस्कृति को बचाने को और अपने आप को बचाने के लिए उन्हें, या फिर मतलब कहने का यह है कि कोई उनका किसी के भी आधार पर उनकी उनके डाइवर्सिटी, उनके कल्चर्स, इन सब के आधार पर कोई उनके साथ में भेदभाव ना कर पाए ना, ये संविधान में प्रावधान दिया गया है. ये और हर इंसान को मौलिक अधिकार, उनका ये मूलभूत अधिकार भी है जो कि हमारा संविधान प्रोवाइड करता है सारे नागरिकों को. फंडामेंटल राइट्स, अब हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है क्या. The fundamental rights make important provisions to protect diversity and discrimination. Fundamental जो मौलिक अधिकार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं हमारी जो diversity है और discrimination को ख़त्म करने का. एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये आधार होता है. इनके आधार पर अगर कोई आपके साथ में आपका शोषण कर रहा है ना किसी भी आधार पर, तो आप उससे बच सकते हो. The Constitution of India gives 6 fundamental rights टू द सिटीजन्स. भारतीय संविधान ने सभी भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं. दीज आर द बेसिक राइट्स विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इंजॉयज. दीज आर बेसिक राइट्स, और ये मूलभूत अधिकार होते हैं विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इंजॉयज, जो कि सारे भारतीयों के पास में होता है. नो गवर्नमेंट अथॉरिटी और पर्सन कैन डिप्राइव एनी सिटीजन ऑफ दीज राइट्स. कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब जो सामाजिक सरकारी संस्था है, ठीक है, इसे नहीं ले सकता है, इसे छीन नहीं सकता है, इससे आपको वंचित नहीं कर सकता. और पर्सन या न मतलब कोई ना सरकारी संस्था ना ही कोई इंसान जो है आपको से ये आपके मौलिक अधिकार को छीन सकता है. दीज आर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये सारी चीज़ें मतलब जो 6 मौलिक अधिकार हर किसी को मिला है मतलब सारे भारतीयों को मिला है, उनमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी मतलब कानून के समक्ष समानता, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो अधिकार है स्वतंत्रता, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक स्वतंत्रता का या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार. लेट्स नाउ देम ब्रीफली. अगर अभी तो आपने ये इसे पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, अब हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे मतलब है क्या. राइट टू इक्वलिटी, अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 14 टू 18 है.
The right to equality has been provided in Articles 14, 15, 16, 17 and 18 of Constitution. भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 है ना, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है. मतलब अगर आपने पहले सुना होगा समानता का अधिकार, अब वो समानता भी किस किस आधार पर, ये कौन कौन सी समानता की बात की गई है ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे. दीज आर्टिकल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग. और ये जो आर्टिकल मतलब 14, 15, 16, 17 एंड 18 आपने पढ़ा है ना, इसमें है क्या क्या, ये हम पढ़ेंगे आगे. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो आर्टिकल 14 है यह कानून के समक्ष समानता दिखाता है कि मतलब कानून के नज़र में हर कोई समान है, किसी के भी साथ में आप किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा जो आर्टिकल 15 है यह किसी भी आधार पर जो भेदभाव होता है ना, इसका निषेध करता है. मतलब जाति, धर्म, बर्थ और बर्थ प्लेस, जेंडर और प्लेस, मतलब इन सब के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये होगा 16 में अवसर की समानता. एवोल्यूशन ऑफ अनडिसेबिलिटी, और आर्टिकल जो है ये 17 है, ये अस्पृश्यता का अंत करता है. मतलब जो छुआछूत है ना, इसे नष्ट करने की बात करता है. नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत. ये जो है किसी भी आधार पर आप किसी को ये नहीं बता सकते हो कि मतलब किसी के काम के आधार पर कि हाँ ये तो ये सी जात के, मतलब ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो स्वीपर्स जो होते हैं, ये पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जो निम्न जात के लोग होते हैं जिन्हें आप शूद्र वर्ण में रखते थे, कि वो सब क्या करते हैं, सफाई का काम वही करेंगे. ठीक है, पूजा पाठ का काम ब्राह्मण करेंगे. लेकिन वर्तमान समय में इन सब का निषेध है कि हमारा संविधान ये नहीं कहता है. हमारे संविधान ने ये सबको अधिकार दिया कि कोई भी अपनी योग्यता के, अपनी सामर्थ्य, योग्यता और स्किल के जो है, मतलब एबिलिटी और जो स्किल है ना, उसके बेस पर कोई भी कैसा भी काम कर सकता है. मतलब आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि कोई ये काम नहीं कर सकता है. ठीक है, सफाई का काम जो है, आजकल जो गवर्नमेंट जॉब होती है, लोग सफाई का काम करने के लिए भी जो ब्राह्मण होते हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब अब आप अपने रोजी रोटी, अपनी नौकरी को प्रमुखता दे रहे हो, अपनी योग्यता को दे रहे हो, ना कि जाति या धर्म को. एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जो समानता का अधिकार है, सॉरी स्वतंत्रता. ये राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता. तो नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. और ये आर्टिकल 19 से 22 तक, मतलब संविधान में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 ये स्वतंत्रता के बारे में बताता है. आर्टिकल 19 to 22 डील्स विद द राइट टू फ्रीडम. इट गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन. ये जो है हमारा आर्टिकल, ये 19 जो 22 है, ये हमें भाषण की, मतलब अगर हम चाहे भाषण की स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है. और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी, मतलब भारत में आप किसी भी राज्य में अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, इनमें आप कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी रह सकते हो, इसकी स्वतंत्रता देता है. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, कहीं भी आप उसके लिए शांति के साथ में इकट्ठे हो सकते हो. ठीक है, सामूहिक सभा कर सकते हो, लेकिन वो शांति भरी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए उसमें. ठीक है, विद्रोह नहीं सिखाया जाना चाहिए. प्रैक्टिस ऑफ एनी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, और किसी भी, आपको अगर कोई भी व्यवसाय करने की है, मतलब हर तरीके के व्यवसाय करने के लिए आप स्वतंत्र हो. इट ऑल्सो इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसके साथ ही साथ ये इंश्योर, ये सुनिश्चित करता है कि, ये लागू करता है कि लाइफ, मतलब आपकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है, आपकी ज़िंदगी है ना, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, इसकी भी आपको स्वतंत्रता देता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये होगा आर्टिकल 23 to 24.
मतलब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग बिगर और फोर्स लेबर ऑफ एनी काइंड। मतलब जो आर्टिकल अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 है, ये कहता है कि किसी भी तरीके का आप किसी के साथ में भी, मतलब किसी इंसान को बेच नहीं सकते हो, या फिर बगैर, या फिर फोर्स, मतलब या फिर किसी को काम करने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो कहते हैं ना कि लोगों को बेच देते हैं किसी होटल वगैरह पे, या फिर कहीं भी बेच देंगे और उसके बदले में पैसे ले लेंगे, अब वो नौकरों की तरह काम करवाते हैं ना, तो ये वाली स्थिति जो होती है, मतलब ये आर्टिकल 23 में इसके अगेंस्ट, अगर कोई आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो आप कानून की सहायता ले सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्टेट का मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा, राज्य पढ़ा होगा, लेकिन इसी स्टेट का मतलब स्पेलिंग सेम होगी, तो स्टेट का मतलब राज्य तो होता ही है, इसके साथ ही साथ ये होता है स्थिति भी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये वर्ल्ड लेवल पर यूज हुआ है, मतलब अब यहाँ पर ये एक देश, इससे ये जो स्टेट वर्ड है इससे देश का भी अर्थ निकल रहा है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दैट इज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, इसका मतलब ये है कि यहाँ के राज्य का, यहाँ के राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, अपना कोई धर्म नहीं है। ऑल द सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी फेथ और रिलीजन, जितने भी जो भारतीय हैं उन्हें ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, मतलब राज्य राष्ट्र का तो अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसके जो नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को, जो भी वो चाहें, जिसमें उनकी आस्था हो, जिसमें उनका विश्वास हो, वो उसे मान सकते हैं। आर्टिकल 25 to 27 गिव दिस राइट, आर्टिकल जो अनुच्छेद 25 से 27 ये अधिकार देता है। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली और पार्सली मेंटेन बाय द स्टेट। और जो आर्टिकल 28 है, मतलब अनुच्छेद जो 28 है, ये निषेध करता है कि किसी भी शैक्षणिक, जो किसी कोई भी शैक्षणिक संस्थान है ना, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, आंशिक रूप से या फिर पूरी तरीके से, मतलब उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, उसमें सारे, मतलब हर धर्म के बच्चों को आपको एडमिशन भी लेना होगा, हर धर्म के बच्चों को पढ़ाना भी होगा, और किसी भी धर्म को मानने के लिए आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हो। एवरी रिलीजियस ग्रुप इज गिवन द फ्रीडम टू मैनेज इट्स रिलीजियस मैटर्स ऑन इट्स ओन। एवरी रिलीजियस ग्रुप इज गिवन द फ्रीडम टू मैनेज इट्स रिलीजियस मैटर्स, मतलब जितने भी धार्मिक समुदाय समूह हैं उन्हें अपने जो उनकी फ्रीडम, मतलब उनके जो धार्मिक विश्वास हैं, ठीक है, इसे मानने का, उनमें आस्था बनाए रखने का अधिकार है। ऑल्सो इट कैन ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्टर इट्स प्रॉपर्टी। दिस ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन, इस प्रकार सारे धर्म को, ठीक है, समान जो है अधिकार है और समानता दी गई, कह सकते हैं सम्मान भी, मतलब ये किसी के साथ में भी आप किसी भी आधार से भेदभाव नहीं कर सकते हो, हर कोई अपने अपने जीवन में अपनी आस्था जो भी वो चाहे वो कर सकता है, बस इतना ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 गारंटीज द पीपल टू कंजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर एंड प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सच पीपल, कि मतलब ये जो अनुच्छेद 29 है, मतलब 29 है, ये आपको अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को संभालने का और मानने का ये पूरी आज़ादी देता है, और इसके साथ ही साथ अगर कोई इस आधार पर भेदभाव करता है आपके साथ में, तो उसके खिलाफ आप न्याय की, मतलब कानून की सहायता ले सकते हो। आर्टिकल 30 अलाउज ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रे दियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अनुच्छेद 30 जो है ना, ये जितने भी धार्मिक, अनुच्छेद 30 ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो ये माइनॉरिटी है, मतलब कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं भाषाई आधार पर, या फिर कह सकते हैं
धार्मिक आधार पर वो अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब शैक्षिक संस्थान को खोल सकते हैं और वहाँ का प्रशासन कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो अपने हिसाब से अपने अगर वो चाहें तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सच ग्रुप, और ये भी बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है गवर्नमेंट को कि इस आधार पर किसी के साथ में भी वो ऐसे ऐसे ग्रुप के साथ में, ऐसे समूह के साथ में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ में कोई भेदभाव ना करें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सेड, ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में आपने सुना होगा प्रारूप समिति, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के इंग्लिश है यहाँ पर चेयरमैन, ये जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इन्होंने कहा था इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, ये संविधान की आत्मा है और संविधान का दिल है, मतलब अनुच्छेद जो 32 है ये, और अनुच्छेद 32 में मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है 32A में को इन्होंने कहा है, अनुच्छेद 32A को इन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है। ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस इफ देयर इज नो राइट टू गेट देम इन्फोर्स्ड, और ये जितने भी राइट्स आपको मिले आपने पढ़ रखा है, फाइव राइट के मतलब पांच अधिकारों को आपने पढ़ा है, ये छठा अधिकार है, जितने भी मतलब इसके इस अगर ये ना हो ना तो बाकी के पांच बेकार हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लागू करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो ये जो है ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस, वो निरर्थक हो जाएंगे इफ देयर इज़ नो राइट टू गेट देम इन्फोर्स, कि अगर उन्हें कोई लागू करने वाला नहीं होगा। बाय दिस राइट अंडर आर्टिकल 32 एंड 32A ए पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इट एनी ऑफ हिज राइट्स इज इन्फ्रिंज्ड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी प्राइवेट पर्सन, और ये अनुच्छेद जो 32 है ना ये लोगों को ये देता है, ये अधिकार देता है कि अगर आपके साथ में कोई चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे कोई सरकारी संस्था हो या फिर कोई इंसान, कोई इंसान है जो आपके साथ में ये किया है कि इन सब में से किसी का भी हनन कर रहा है, मतलब आपको शोषित कर रहा है, किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है आपकी स्वतंत्रता को, आपकी समानता को, ये जो चोट पहुंचा रहा है या फिर कह सकते हैं कि छीन रहा है ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कानून की मदद ले सकते हो। दस द कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और इस प्रकार के है जो न्याय होता है न्यायालय, ये प्रोटेक्टर होता है और गारंटर होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं से तो क्या होता है न्याय मिलता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सर्टन गोल्स कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सर्टन गोल्स, हमारा जो भारतीय संविधान है ये निश्चित उद्देश्यों को प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है, कॉल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति का इन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो न्यायालय होता है जो कानून है ना ये इसके द्वारा इसे फंडामेंटल राइट्स जो है जो मौलिक अधिकार है इसे लागू किया जा सकता है, बट दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जो ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने ये सुना होगा हिंदी में नीति निर्देशक तत्व, तो ये वही है नीति निर्देशक तत्व हैं, बट दीज प्रिंसिपल्स मतलब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना इन्हें कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन मतलब इन्हें कोई लागू मतलब कोई भी न्यायालय कोई भी कानून इन्हें लागू नहीं करता है, ठीक है। The purpose of these principles is to direct the government to administer in such a manner that these goals can be met, और ये दिखाता है ये बताता है the purpose of these principles मतलब जो उद्देश्य है इन तत्वों का इन सिद्धांतों का is to direct the government, कि ये government को direct करे
बताए टू एडमिनिस्टर, कि वो इस तरीके से शासन करें, प्रशासन करें इन सच ए मैनर दैट दीज गोल्स कैन बी मेट, की जैसे ये मिल सके. ठीक है, दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डील फ्रॉम आर्टिकल्स 36 to 51. और जो ये डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व तो है ना, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है. Their goal is to raise the standard of life, standard of living of people. और इस ये जो goals है, मतलब कह सकते हैं directive principle है, इनका जो उद्देश्य है ना कि लोगों के जीवन को, मतलब जो इनके रहन सहन का स्तर है ना, इसे ऊपर उठा सकें, give them protection of all types, और इन्हें हर तरीके की जो है कह सकते हैं कि रक्षा करें, हर तरीके की इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, एंड टू गिव देम एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनके विकास और वृद्धि के लिए वो पर्याप्त माहौल दें, पर्याप्त इन्हें अवसर दें. ठीक है, मतलब किसी भी आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो, हर कोई आज़ाद हो, अपने मतलब जो करना चाहता है वो करे, वो भी किया, लेकिन मतलब उसके वजह से किसी और को परेशानी ना हो ना. तो ये सारी चीज़ें, आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. द गवर्नमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द गवर्नमेंट हैज़ पास द राइट टू एजुकेशन एक्ट बाई विच ऑल चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री बिटवीन 6 to 14 ईयर्स of एज आर एलिजिबल टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. हमारे जो हमारे राष्ट्र ने, हमारे संविधान ने, हमारी सरकार ने एक जो है नियम पास किया है, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है. मतलब उस शिक्षा को जो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा होती है ना, इसमें आप किसी से भी पैसे नहीं मांग सकते हो, किसी भी बच्चे से, और किसी भी, कोई भी बच्चा सरकारी संस्थान में पढ़ सकता है, और वो भी एकदम फ्री. अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो मास्टर वर्ड्स होते हैं, वर्ड मास्टर. इनइक्वलिटी, द फैक्ट ऑफ टू ग्रुप्स और पर्सन्स बीइंग अनइक्वल. ये जो फैक्ट होता है, इनइक्वलिटी असमानता, कि दो लोगों और दो व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में जो अनइक्वलिटी मतलब असमानता की भावना होती है ना, उसी को हम कहते हैं इनइक्वलिटी. मतलब किसी को समान अपने जैसा ना मानना ही इनइक्वलिटी कहलाता है. प्रेजुडिस, अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर सम पर्सन और ग्रुप. जो अनरीजनेबल मतलब बिना किसी अर्थ का जो डिसलाइक होता है, नफरत होती, घृणा होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी समूह के लिए, उसी को कहते हैं प्रेजुडिस. डिस्क्रिमिनेशन, द फैक्ट ऑफ ट्रीटिंग सम पर्सन और ग्रुप लेस फेयरली. जो हम किसी को डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव करते हैं ना, मतलब किसी को कम आंकना, उनके साथ में भेदभाव करना ही ये होता है डिस्क्रिमिनेशन. अनटचेबिलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग सम पीपल अनटचेबल्स. कुछ लोगों को जो हम मतलब ये मानते हैं कि इन्हें छूने वाले नहीं हैं, ये अछूत होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अनटचेबिलिटी. मेरिट, द क्वालिटी ऑफ बींग गुड एंड डिजर्विंग वेल. प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए बुक और डॉक्यूमेंट. फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक राइट्स गिवन बाई ए कंट्री, उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. वेगर, द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग ए पर्सन और टू डू ए सर्टन वर्क. स्टीरियोटाइप, ए फिक्स्ड इमेज और आइडिया और ओपिनियन. मतलब हम किसी के बारे में विचार बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, तो यही होता है, ये स्टीरियोटाइप होता है. नेक्स्ट है क्विक रिवीजन, जो आपने पढ़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब ये जो मास्टर वर्ड मास्टर है और ये क्विक रिव्यू है ना, ये बहुत ही निचोड़ होता है चैप्टर का. इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इज निगेटिव इन सेंस. इनइक्वलिटी निगेटिव सेंस में होता है. प्रेजुडिस इज मेयर डिसलाइक, वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयरनेस. नो पर्सन, मतलब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में अंतर है, ये आपको समझना होगा. नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, सेक्स एक्सेट्रा. मेरिट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. द फॉर्मर शोज द इक्वालिटी ऑफ ए पर्सन, वाइल द लेटर शोज अनफेयरनेस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी एंड मेक सुटेबल प्रोविजन्स. द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन 6 फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेमेडीज.
The directive principle of state policy are notable, are novel goals which the government strive to achieve. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आते हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं. इससे मुझे ये पता पड़ता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सार्थक हो रही है कि नहीं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है.